हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। तो ये है भाई हमारी अगली नेम रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट, इसका मैकेनिज्म और इसके कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे। साथ में इस तरीके की रिएक्शन में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्या हो सकती है एग्जाम में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई इसके कॉन्सेप्ट से। देखो, यहां पर मैं आपको हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में बताता हूं। हाइड्रोक्सिल आयन जो है ना, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में होता है, वहां पर हम लोग इसको बेस ही कंसीडर करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी प्रेफरेंस हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह रहती है। ये एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अगर कोई बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कोई न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने लायक साइट नहीं है, तब ये बेस की तरह भी काम कर जाएगा, लेकिन इसकी पहली प्रेफरेंस रहेगी कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करे। तो कैनिजरो रिएक्शन में भी ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पर अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। हमारे पास होता है भाई एक एल्डिहाइड। ये कोई भी एल्डिहाइड हो गया। इसकी रिएक्शन जब हम लोग बेस के साथ करवाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोक्सियल आयन आ सके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको हमेशा बेस ही माना जाता है, लेकिन यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। दो मॉलिक्यूल यहां एल्डिहाइड के कंज्यूम होते हैं। एक मॉलिक्यूल का हो जाता है ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का हो जाता है रिडक्शन। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा भाई? अल्कोहल। तो यहां पर एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्डिहाइड का ही रिडक्शन भी हुआ है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, इसका जवाब हमें कौन देगा भाई? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो देखो, मैकेनिज्म हम लोग करते हैं। मान लो हमारे पास पहले था एल्डिहाइड, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल का कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, हाइड्रोक्सिल आयन के पास है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। क्या बना भाई? देखो, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक OH और यहां पर एक O-। इस तरीके का मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया हाइड्रोक्सिल आयन के न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने से। अगले स्टेप में क्या होता है देखो, जो नेक्स्ट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो यहां पर यूज होता है। कैसे यूज होता है देखो, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं वापिस और इस हाइड्राइड का अटैक हो जाता है इस दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल पे और ये हो जाएगा यहां से ब्रेक। इस स्टेप में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां से क्या बाहर निकल गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये हो गया एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। उस तरफ क्या चल रहा है वो देखो, यहां पर आर सी एच टू ओ नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन में मान लेते हैं कि हमारे पास एक्वस NaOH सॉल्यूशन प्रेजेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट अवेलेबल है, तो वहां से ये एक प्रोटॉन निकाल लेगा इस तरीके से। यहीं से हमारा हाइड्रोक्सिल आयन भी जनरेट हो जाएगा फिर से और हमारे पास हमें हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो कि होगा CH2OH। ये हमें मिल गया हमारा दूसरा प्रोडक्ट। तो इस तरीके से सेम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का ही ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी हमको मिलता है और सेम एल्डिहाइड का
रिडक्शन वाला प्रोडक्ट भी मिलता है। ये होती है भाई कैनिजरो रिएक्शन। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में देखते हैं और कॉन्सेप्ट। यहां पर देखो, ये एक एमएसक्यू है। यहां पर मैं आपको बता दूं, दो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं। आपको क्या करना है भाई, वीडियो को रोको, खुद सोल्व करने की कोशिश करो और बाद में मेरे आंसर के साथ में मैच करा लो। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन आर, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? देखो, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन हो रही है एक्वस NaOH सॉल्यूशन के साथ, कैनिजरो रिएक्शन है। यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन का अटैक होगा इस तरीके से, क्या बन जाएगा भाई? देखो, पीएच ओ नेगेटिव ओएच हाइड्रोजन, अगले स्टेप में क्या होगा, एक और बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन होगी। कैसे होगी? ये वापिस आएगा, हाइड्राइड का अटैक हो जाएगा इस तरीके से। तो बेंजल्डिहाइड का यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ क्या बन गया, पीएच सी एच टू ओ नेगेटिव, जो बाद में अल्कोहल बना लेगा। तो यहां पर पीएच लिखता हूं मैं इसको, पीएच सी एच टू ओ एच, ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएंगे। ढूंढो कहां पर हैं। देखो, ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये हमारे पास हो गया बेंजाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यहां पर टोलुइन बना है, यहां पर ईथर बना है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। करेक्ट ऑप्शन कौन से हो गए? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम लोगों को करवानी होती है कैनिजरो रिएक्शन। यहां पर कंफ्यूजन क्या होती है, देखो, कार्बोनिल कंपाउंड है, कंफ्यूजन तो करेंगे ही। देखो, मान लो कि हमें ऐसा एल्डिहाइड दे दिया जाए, सिंपल है, एसिटल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करवा दी जाए सोडियम इथोक्साइड के साथ, क्या हम लोग तब भी कैनिजरो के टाइप से रिएक्शन करवा सकते हैं? देखो, वहां पर था हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन, जिसकी प्रेफरेंस क्या थी, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहां पर हमारे पास है इथोक्साइड आयन, ये एक बेटर बेस होता है। तो अगर कार्बोनिल के अल्फा पर हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो यहां पर इनोलेट बनेगा, एल्डोल टाइप से रिएक्शन होगी, कैनिजरो रिएक्शन हम लोग नहीं करवाएंगे। वो बात और है कि यहां पर भी दो एल्डिहाइड ही कंज्यूम होंगे, लेकिन कैनिजरो रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेंगे भाई? देखो, कैनिजरो रिएक्शन अगर आप लोग यहां पे करवाते हैं तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये प्रोडक्ट बनेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहां पर सोडियम इथोक्साइड है, एल्डोल टाइप की रिएक्शन करवाएगा, कैसे होगी? देखो, ओईटी है, बेस है, यहां से प्रोटोन निकालेगा इस तरीके से, एक इनोलेट बन जाएगा। पहले क्या बना, देखो, सी एच टू ओ नेगेटिव एच बन गया इनोलेट। अगले स्टेप में इसकी होती है एक और एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन, ये वापस आएगा, इसका अटैक हो जाएगा दूसरे एल्डिहाइड पे, क्या बनेगा? देखो, डबल बॉन्ड ओ एच, इस कार्बन के साथ में आके लग जाएगा ये वाला कार्बन, जिसके ऊपर एक है मिथाइल, एक है हाइड्रोजन और एक है ओ नेगेटिव। ये ओ नेगेटिव वर्कअप के बाद क्या बना लेगा? ओ एच बना लेगा। ये है एल्डोल रिएक्शन। अगर हम लोग फिर से इसकी बेस के साथ में रिएक्शन करवाएं तो देखो, यहां पर एक हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल है, ये क्या करेगा,
यहां से प्रोटॉन निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, तो यहां से एक H प्लस निकला है, एक OH निकला है, काइंड ऑफ वॉटर मोलिक्यूल एलिमिनेट हो गया है, E2 टाइप की रिएक्शन है। क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई इसमें, इसमें ये बन जाएगा। तो यहां पर बेस दिया हुआ है या फिर न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, उस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एल्डोल रिएक्शन होगी या फिर कैनिजरो रिएक्शन होगी, कहां पर कौन सी करवानी है वो बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये थी भाई कैनिजरो रिएक्शन, आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, धन्यवाद।